किसी ने सही कहा है कि ज्यादातर लोग जीवन जीते ऐसे हैं जैसे कभी मरेंगे ही नहीं, और मरते ऐसे हैं जैसे कभी जिए ही नहीं। यानी अपने भविष्य के बारे में कभी कोई ठोस प्लानिंग नहीं बनाते, अपने रिटायरमेंट की डेट कभी तय नहीं करते, आगे आने वाले 10, 15, 20 सालों में कितना पैसा कमा लेना है ताकि जीवन के आखिरी 15 से 20 साल आसानी से बिना किसी तकलीफ के आनंद पूर्वक बिता सकें, इस बारे में ज्यादातर लोगों के पास कोई भी ठोस प्लानिंग नहीं होती। और इसीलिए ज्यादातर लोगों की जिंदगी के आखिरी 15 से 20 साल काफी तकलीफ और तंगी में गुजरते हैं। आज जो जानकारी मैं आप सबसे इस वीडियो में शेयर करने जा रहा हूं, वो जानकारी आपको अंदर से हिलाकर रख देगी, आपको सोचने पर मजबूर कर देगी, और आपको आपके बुढ़ापे की एक झलक इस वीडियो में दिखाई देगी। मुझे पता है कि आप में से ज्यादातर लोगों को अपने भविष्य की तस्वीर देखकर डर जरूर लगेगा, और डरना जरूरी भी है, क्योंकि यह डर आपको आपके भविष्य के प्रति ज्यादा गंभीर बना देगा, और इस वीडियो को बनाने के पीछे यही मेरा उद्देश्य है। वीडियो को शुरू करने से पहले मेरी आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, और अगर पहले से सब्सक्राइब किया हुआ है तो कृपया नीचे कमेंट बॉक्स में एस टाइप कर दें ताकि मुझे पता चल सके कि हमारे रेगुलर व्यूवर्स कौन कौन है। और हाँ, इस वीडियो को लाइक जरूर कर देना ताकि ये वीडियो आप ही के जैसे और भी महत्वाकांक्षी लीडर्स तक पहुंच सके, क्योंकि दोस्तों आप सबका सपोर्ट ही मेरी असली ताकत है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, आज की वीडियो का टॉपिक है एट द एज ऑफ 65 इयर्स, यानी 65 वर्ष के बाद आम आदमी का जीवन किस तरह से बीतता है या किस तरह से बीत सकता है, इसके बारे में हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। इस टॉपिक पे आगे बढ़ने से पहले मैं आप सबको क्लियर कर देना चाहता हूं कि इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखें और अच्छे से समझें, क्योंकि ये वीडियो आपको नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस करने का सबसे बड़ा रीजन देने वाली है। तो चलिए टॉपिक पे आते हैं। दोस्तों, हमारे देश की पॉपुलेशन को यदि हम 100% माने तो आप सबको यह जानकर आश्चर्य होगा कि 100 में से 54% लोग, यानी 54% लोग तो 65 साल की उम्र होने से पहले ही इस दुनिया से चले जाते हैं, यानी उनकी डेथ हो जाती है। इसमें से कुछ तो एक्सीडेंटल डेथ की वजह से इस दुनिया से चले जाते हैं, लेकिन ज्यादातर लोग किसी ना किसी बीमारी की वजह से एक्सपायर हो जाते हैं। सवाल यह है कि ज्यादातर लोग इतने बीमार क्यों होते जा रहे हैं कि 65 वर्ष की उम्र तक भी नहीं जी पा रहे। अगर आप ऊपरी सतह पर देखेंगे तो आपको बहुत सारे कारण नजर आ सकते हैं, जैसे पॉल्यूशन, खराब खानपान, लगातार तनावपूर्ण और थकान वाला जीवन जीना, अपनी छोटी बड़ी हेल्थ प्रॉब्लम्स को अनदेखा करना, समय पर बेहतर चिकित्सा सुविधा ना मिल पाना, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा, और भी ऐसे बहुत से रीजंस की लिस्ट बनाई जा सकती है। लेकिन यदि आप गहराई में उतरेंगे तो आपको समझ में आएगा कि इन सारे कारणों की 99% केसेस में जड़ सिर्फ एक ही है, और वो है पैसा। ज्यादातर लोगों के जीवन में पैसे का अभाव है, इसीलिए उनके जीवन में तरह तरह के तनाव हैं। इन्हीं तनावों की वजह से ही ज्यादातर लोगों की जीवन जीने की इच्छा ही खत्म हो जाती है 65 वर्ष की आयु से पहले ही। इसके बाद आती है दूसरी कैटेगरी, इसमें 22% लोग हैं। ये 22% लोग वो हैं जो 65 वर्ष की उम्र तक पहुंचते पहुंचते डिपेंडेंट हो जाते हैं अपने बच्चों पर, या आप कह सकते हैं अपने वारिस पर, यानी अगली पीढ़ी पर, या जिनका कोई बच्चा नहीं है या वारिस नहीं है, वो डिपेंडेंट हो जाते हैं सरकार पर। सरकार द्वारा सीनियर सिटीजन्स के लिए चलाई जाने वाली योजनाओं से इनका बुढ़ापा कटता है। इन योजनाओं का फायदा भी किसी को मिल पाता है, किसी को नहीं मिल पाता है, यानी अपनी छोटी से छोटी जरूरत के लिए भी ये लोग दूसरों पर निर्भर हो जाते हैं। इनकी कंडीशन तो उन 54% लोगों से भी बुरी हो जाती है जो 65 वर्ष की उम्र तक पहुंचने से पहले ही इस दुनिया से चले जाते हैं, क्योंकि मर गया तो किस्सा ही खत्म हो गया ना। लेकिन इन 22% लोगों की हालत तो ऐसी हो जाती है कि ना तो इनमें अच्छे से जीने का ही दम होता है और ना ही मरने का। बागबान मूवी का वो सीन इसका परफेक्ट एग्जाम्पल है, जिसमें अमिताभ बच्चन साहब का चश्मा टूट जाता है, उन्हें अपनी वाइफ का भेजा हुआ लेटर पढ़ना होता है, लेकिन बिना चश्मे के पढ़ नहीं सकते। ऐसे में वो अपने बेटे से बोलते हैं कि मुझे 200 रुपए दे दो, मेरा चश्मा टूट गया है, मुझे उसे ठीक करवाना है,
तुम्हारी मां का लेटर आया है, मुझे वो पढ़ना है। उस नालायक बेटे के पास अपने बाप को देने के लिए 200 रुपए नहीं होते। बोलता है, डैड इस महीने हाथ टाइट है, नेक्स्ट मंथ देखते हैं। यह सिर्फ किस्सा कहानी नहीं है, यह हमारे समाज की एक्चुअल पिक्चर है, नंगा सच। समाज के 22% सीनियर सिटीजन्स इसी तरह के हालातों में अपना बुढ़ापा काट रहे हैं। सवाल यह है कि ऐसी स्थिति पैदा ही क्यों होती है? क्योंकि इन सभी 22% लोगों ने अपना बुढ़ापा प्लान नहीं किया। इन्होंने समय रहते ऐसा कुछ भी काम नहीं किया जिससे कि बुढ़ापे में काम ना करते हुए भी आजीवन पर्याप्त पैसा आता रहे। इन्होंने अपने जीवन भर की कमाई बच्चों की जरूरतें पूरी करने में ही खर्च कर दी। रॉन्ग डिसीजन। इसके बाद आती है तीसरी कैटेगरी, जिसमें 16% लोग हैं। ये 16% वो लोग हैं जो 65 वर्ष की आयु पार करने के बाद भी आज भी काम कर रहे हैं, यानी स्टिल वर्किंग है। ये लोग आज भी काम कर रहे हैं, या तो अपना पेट पालने के लिए, या फिर इन लोगों ने जीवन भर ऐसा काम किया है जो आज भी इनके बिना एक दिन भी नहीं चल सकता। बहुत कम लोग इस बात को समझ पाते हैं कि आपका करियर भी एक बच्चे की तरह ही होता है, जिसे आपको पाल पोस के बड़ा करना होता है, ताकि एक दिन आपका वो करियर इतना बड़ा हो जाए कि वो आपको पाल सके। आपके काम ना कर पाने की उम्र जब आए तो वो आपकी सभी जरूरतों और चाहतों को पूरा करता रहे। सभी करियर ऐसे नहीं होते, इसीलिए अपने जीवन में करियर का चुनाव सबसे ज्यादा अहम होता है। क्योंकि जिस दिन आप अपना करियर चुनते हैं, आप उसी दिन अपने 65 वर्ष की आयु के बाद के जीवन की नींव रख देते हैं। सही चुनाव ना करने से आप जीवन भर काम करते रहने के लिए मजबूर हो सकते हैं, जब तक कि आप मर नहीं जाते। यह किसी श्राप से कम नहीं है। याद रखिए कि आपके जीवन की कमांड सिर्फ और सिर्फ आपके हाथ में है। अपने 65 वर्ष की आयु के बाद के जीवन को बनाना या बिगाड़ना सिर्फ और सिर्फ आपके हाथ में है। और यदि आपकी पत्नी भी पूरी तरह से आप पर निर्भर है, तो उसका भविष्य कैसा होगा यह भी आपके डिसीजंस से ही तय होगा। अगर आप अपनी पत्नी से प्यार करते हैं, तो आप उन्हें सबसे बड़ा गिफ्ट यही दे सकते हैं कि आप उनके लिए कुछ ना कुछ ऐसा इंतजाम करके जाएं कि उन्हें 65 वर्ष की आयु के बाद अपनी छोटी बड़ी जरूरतों के लिए किसी के सामने मोहताज ना होना पड़े, और जिंदगी की आखिरी स्टेज दुख, तकलीफ और अपमान के साथ ना गुजारनी पड़े। इसके बाद आती है चौथी कैटेगरी, जिसमें 7% लोग होते हैं। ये 7% वो लोग हैं जो कि 65 वर्ष की आयु तक आते आते फाइनेंशियली फ्री हो जाते हैं, यानी वित्तीय आजादी हासिल कर लेते हैं। पैसा तो बहुत कमा लेते हैं, लेकिन समय के मामले में दुनिया के सबसे गरीब इंसानों में होते हैं। ये वो लोग हैं जिन्होंने पैसा कमाने की खातिर अपने जीवन में सब कुछ कुर्बान कर दिया। अच्छी बात यह है कि इन्होंने जीवन में खूब ढेर सारा पैसा कमाया, और बुरी बात यह है कि इन्होंने अपने पूरे जीवन में सिर्फ और सिर्फ पैसा ही कमाया, इसके अलावा कुछ और नहीं कमाया। परिवार, दोस्त, रिश्तेदार कभी किसी को अपने काम से ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं दी। परिणाम यह निकलता है कि ये लोग अपने परिवार और अपने रिश्तेदारों के लिए सिर्फ एक ATM कार्ड बन के रह जाते हैं। ये लोग जिंदगी भर पैसा कमाते रहते हैं और इनसे जुड़े हुए लोग उस पैसे से ऐश करते रहते हैं। अपने पैसे को अपनी मर्जी से अपने लिए इस्तेमाल करने का इन्हें पूरी जिंदगी कभी भी वक्त नहीं मिल पाता। ये लोग खुद के ही कमाए हुए पैसों के सिक्योरिटी गार्ड बन के रह जाते हैं बस। ये जिंदगी भर अपने पैसे को देख के हंसते रहते हैं, और इनका पैसा जिंदगी भर इनको देखकर हंसता रहता है। इनकी पत्नी इनसे बोले कि चलो आज शॉपिंग करने चलते हैं, तो इनका जवाब होता है, कार ले जाओ, डेबिट कार्ड ले जाओ, क्रेडिट कार्ड ले जाओ, कैश ले जाओ, एक दो नौकरों को भी साथ ले जाओ, पर मैं नहीं आ सकता क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं है। मतलब ढेर सारा पैसा होने के बावजूद भी ये लोग आजाद नहीं होते, जिंदगी भर अपने ही वक्त के गुलाम बन के रह जाते हैं। आप खुद ही सोचकर देखिए कि इस तरह से यदि आपने दौलत इकट्ठी कर भी ली तो भी फायदा क्या है इस पैसे का? आप इसे मरने के बाद ऊपर तो ले जा नहीं सकते। यानी सब कुछ होने के बावजूद भी जो लोग अपनी लाइफ को पूरी तरह से इंजॉय भी नहीं कर पाते, ऐसे लोगों की संख्या समाज में 7% है। इसके बाद आती है आखिरी कैटेगरी, जिसमें इस समाज के मात्र 1% लोग ही होते हैं। यह कैटेगरी है टाइम फ्रीडम एंड मनी फ्रीडम।
यानी ऐसे लोग जिन्होंने अपने जीवन में कुछ ना कुछ ऐसा काम कर दिया जिससे कि 65 वर्ष की आयु तक पहुंचने से पहले ही इन्होंने बेशुमार पैसा तो कमा ही लिया, साथ ही साथ उस पैसे का अपने रिटायर्ड लाइफ में पूरी तरह से आनंद उठाने के लिए इन्होंने भरपूर समय भी कमा लिया। इन्होंने अपनी मेहनत के दम पे ऐसा सिस्टम क्रिएट कर लिया जिससे कि अब काम ना करने के बावजूद भी इन्हें लगातार पैसा मिलता ही जा रहा है। यानी सिंपल भाषा में बात करें तो इन्होंने कुछ ऐसा कर दिया है जिसकी वजह से अब काम अपने आप हो रहा है, इन्हें माथापच्ची नहीं करनी पड़ रही है। जैसे किसी आदमी ने फैक्ट्री डाल दी और वहां पे 1000 लोगों को काम पे रख लिया, अब वो 1000 लोग डेली फैक्ट्री में काम करने आते रहते हैं और वो फैक्ट्री का मालिक उस फैक्ट्री में आए या ना आए काम लगातार चलता रहता है। इसे कहते हैं सिस्टम क्रिएट कर देना। एक आदमी है, उसके पास ढेर सारा पैसा पड़ा हुआ है, वो एक अच्छी सी जगह देखता है, वहां पे एक बढ़िया सा होटल खोल देता है और होटल में सभी जरूरी काम करने के लिए 50 लोगों का स्टाफ रख देता है। अब उस होटल के मालिक को डेली उस होटल में बैठे रहने की जरूरत है क्या? नहीं। कस्टमर की एंट्री से लेकर एग्जिट तक उस कस्टमर की हर छोटी बड़ी नीड को फुलफिल करने के लिए वहां पे स्टाफ मौजूद है। इसे कहते हैं चीजों को बड़े स्केल पर करने के लिए सिस्टम क्रिएट कर देना। अब वो होटल का मालिक अपनी जिंदगी को अपने तरीके से जीने के लिए आजाद हो गया है। इसी तरह वो फैक्ट्री का मालिक भी अपनी जिंदगी को अपनी तरह अपने चॉइस से जीने के लिए आजाद हो गया है। सुनने में तो ये बात बहुत अच्छी लग रही है, बट प्रैक्टिकली सिर्फ 1% लोग ही हैं समाज में जो इस तरह की आजादी का आनंद ले पा रहे हैं। ऐसा क्यों है? समाज में इतनी विषमता क्यों है? क्यों 99% लोग पूरी जिंदगी मेहनत करने के बाद भी कभी इस तरह की आजादी हासिल नहीं कर पाते? कारण सिर्फ एक ही है कि 99% लोगों का फोकस सिर्फ काम करने पर ही होता है, सिस्टम बनाने पर नहीं होता। सिस्टम नहीं बनाते इसलिए 1% में नहीं आ पाते। सिस्टम आपको पैसिव इनकम देता है, सिस्टम आपके बुढ़ापे में भी आपके बिहाफ पे काम करता रहता है, सिस्टम आपको इतना पैसा पैदा करके देता है कि आप अपनी अंतिम सांस तक अपने सपनों का जीवन जी सकते हैं। सिस्टम में इतनी ताकत होती है कि वो ना सिर्फ आपके बल्कि आपकी आने वाली कई पीढ़ियों के जीवन की भी दशा और दिशा बदल देता है, लेकिन फिर भी 99% लोग कभी सिस्टम क्रिएट करने पर ध्यान नहीं देते। ऐसा क्यों होता है? सिस्टम क्रिएट ना कर पाने का मुख्य कारण क्या है और कैसे हम उस कारण को खत्म करके एक ठोस सिस्टम का निर्माण कर सकते हैं और अपने 65 वर्ष के बाद के जीवन को सुरक्षित और हसीन बना सकते हैं, इसके बारे में अब मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। उससे पहले मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि यदि आपने अभी तक इस वीडियो के नीचे मौजूद लाइक का बटन नहीं दबाया है तो जल्दी से दबा दें ताकि ये वीडियो आप ही के जैसे और भी महत्वाकांक्षी लोगों तक पहुंच सके। दोस्तों 99% लोग सिस्टम क्रिएट नहीं कर पाते, उसके पीछे बेसिकली दो मुख्य रीजंस होते हैं। सिस्टम कैसे क्रिएट किया जाता है इसकी नॉलेज ना होना, और इससे भी बड़ा कारण है सिस्टम खड़ा करने के लिए पर्याप्त धन ना होना। कुछ लोगों के पास पैसा तो होता है पर उन्हें सिस्टम क्रिएट करने की नॉलेज नहीं होती, और कुछ लोगों के पास सिस्टम क्रिएट करने की नॉलेज तो होती है पर उनके पास पैसा नहीं होता। लेकिन वास्तविकता में इन दोनों कैटेगरी से ज्यादा संख्या उन लोगों की होती है जिनके पास ये दोनों ही चीजें नहीं होती। यानी सबसे ज्यादा संख्या ऐसे लोगों की है जिनके पास ना तो पैसा होता है और ना ही नॉलेज, और यही सबसे बड़ा रीजन है। तो रीजन आपकी समझ में आया कि क्यों 99% लोग 65 वर्ष की आयु तक पहुंचने से पहले ही सिस्टम बना के फ्री नहीं हो पाते? अब मैं आपको बताता हूं कि इसका सॉल्यूशन क्या है। आज आपकी एज भले ही कुछ भी हो, 20 साल, 30 साल, 40 या 50, कुछ भी, आप एक बात तो अच्छे से समझ लीजिए कि सिस्टम क्रिएट करने के लिए कोई भी उम्र कम या ज्यादा नहीं होती। अगर आप जिंदा हो तो यह समझ लीजिए कि अभी देर नहीं हुई है। अगर आपका अंतिम संस्कार हो चुका है तभी यह समझना कि अब देर हो चुकी है। आज की डेट में अगर आपके पास लगाने के लिए बहुत ज्यादा पैसा नहीं है और बहुत ज्यादा बिजनेस की नॉलेज भी नहीं है, अनलिमिटेड पैसिव इनकम जनरेट करने का सिस्टम क्रिएट करना आपको यदि नहीं आता है तो मात्र एक ही ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां से आप भी अपने बुढ़ापे को, यानी अपने 65 वर्ष की आयु के बाद के जीवन को सुरक्षित, सुविधापूर्ण और खुशियों से भरा हुआ बना सकते हैं, और वो एकमात्र प्लेटफॉर्म है
नेटवर्क मार्केटिंग यानी डायरेक्ट सेलिंग, जिसे हम मल्टी लेवल मार्केटिंग के नाम से भी जानते हैं। नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में सक्सेस होने वाला प्रत्येक व्यक्ति उन्हीं 1% लोगों की कैटेगरी में शामिल हो जाता है जिनके पास भरपूर समय और भरपूर पैसा, ये दोनों ही चीजें होती हैं। यानी जिंदगी में भले ही आपने कितने भी गलत फैसले लिए हों, जिंदगी में भले ही आप कितनी भी बार फेल हुए हों, या भले ही आप जीवन के किसी भी पड़ाव पर हों, नेटवर्क मार्केटिंग एक ऐसा सिस्टम है जो अपने आप में इतना अधिक शक्तिशाली है कि आपको जीवन की अत्यंत विपरीत परिस्थितियों से भी बाहर निकाल सकता है और मात्र कुछ ही वर्षों में आपके जीवन को पूरी तरह से बदल के रख सकता है। दरअसल नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस बेचने का बिजनेस है। जूते वाला जूते बेचता है, मूंगफली वाला मूंगफली बेचता है, कपड़े वाला कपड़े बेचता है, और नेटवर्क मार्केटिंग करने वाला बिजनेस बेचता है, बिजनेस करने की अपॉर्चुनिटी बेचता है। नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में शामिल हर कंपनी में हर प्रोडक्ट के साथ हर किसी को एक बिजनेस अपॉर्चुनिटी जरूर मिलती है। अगर आप इसे अभी तक इग्नोर करते आए हैं तो अब इसे इग्नोर करना बंद कीजिए और सीरियस लेना शुरू कर दीजिए, क्योंकि आप माने या ना माने, लेकिन यदि आज की डेट में आपके पास ना तो ज्यादा पैसा है और ना ही कोई स्पेशल स्किल, तो नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस ही एकमात्र ऐसा मौका है आपके सामने जहां से आप अपनी जिंदगी पूरी तरह से बदल सकते हैं। सिर्फ यहीं पे आपको मौका मिलता है एक ऐसा सिस्टम क्रिएट करने का जहां से आपको आजीवन बेशुमार पैसा मिलता रहता है और आपके बाद आपके आने वाली पीढ़ियों को भी मिलता रहता है। यानी कि सीधे शब्दों में नेटवर्क मार्केटिंग आज की डेट में एकमात्र ऐसा सिस्टम है जहां पे आपको अपना खुद का सिस्टम क्रिएट करने का मौका भी मिलता है और मदद भी मिलती है। यदि आप भी चाहते हैं कि आपकी 65 वर्ष की आयु के बाद का जीवन भी बिना किसी तकलीफ के आनंद पूर्वक बीते, तो आपको भी आज ही नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस शुरू कर देना चाहिए। बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता इस बात से कि आज तक आप नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में क्या सोचते थे या क्या जानते थे। यदि आप आज से इस बिजनेस को सीरियसली लेना शुरू कर देते हैं और अगले मात्र 4 से 5 साल इस बिजनेस को पार्ट टाइम में भी करने का खुद से कमिटमेंट करते हैं, तो मैं गारंटी ले सकता हूं कि आप भी उन 1% लोगों की कैटेगरी में पक्का शामिल हो जाएंगे जिनके पास 65 वर्ष की आयु आने तक भरपूर पैसा भी आ जाता है और उस पैसे को अपनी मनमर्जी से खर्च करने का भरपूर समय भी आ जाता है। इसीलिए जो भी व्यक्ति इस वीडियो को देख रहा है, यदि आपने अभी तक नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस शुरू नहीं किया है, तो मैं दिनेश जोशी आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आज अभी इसी वक्त उस व्यक्ति से संपर्क कीजिए जिन्होंने ये वीडियो आपसे शेयर की है। उनसे मिलिए, नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस की जानकारी लीजिए और आज ही नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस शुरू कीजिए। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड विश यू ऑल द बेस्ट। दोस्तों उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। इसी तरह की और भी वीडियोस देखने के लिए हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें।